नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव। आइए नजर डालते हैं जगत की बड़ी खबरों पर। असम राज्य ने दिया सबसे पहले जीएसटी को समर्थन। जीएसटी को लागू करने के लिए चाहिए 50% राज्यों की मंजूरी। संसद के दोनों सदनों में पास हो चुका है जीएसटी। डीजल कारों की रोक पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। 2000 और 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल एसयूवी और लग्जरी कारों के रजिस्ट्रेशन पर नहीं होगा बैन। रजिस्ट्रेशन के लिए शोरूम कीमत के 1% के बराबर राशि हरित उपकर के रूप में करनी होगी जमा। सार्वजनिक अवकाश की वजह से 13 अगस्त से लगातार 3 दिन बैंकों में लटके रहेंगे ताले। बैंकों के ठप रहने से 3 दिन एटीएम को फुल रखने की हो रही है तैयारी। बैंकों के बंद होने से प्रभावित होगा बैंकिंग कामकाज। सोने और चांदी में गिरावट। सोना 75 रुपए गिरकर 31,050 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 100 रुपए की गिरावट के साथ 46,850 रुपए प्रति किलोग्राम पर। सऊदी अरब ने बांग्लादेशी श्रमिकों की भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटाया। रोक हटने से कुशल, अकुशल और व्यावसायिक श्रमिकों को मिलेगा फायदा। सऊदी अरब में 6 साल से बांग्लादेशी श्रमिकों की भर्ती पर लगी थी रोक। बेसिक को इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज खोलने को मिली मंजूरी। सिंगापुर, अमेरिका और जापान जैसे देशों के बाजारों से एक्सचेंज करेगा मुकाबला। एक्सचेंज में भारत ही नहीं, दुनिया भर की इक्विटी, डेट और इंडेक्स में हो पाएगी ट्रेडिंग। आइए अब नजर डालते हैं शेयर बाजार की हलचल पर। शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 293 अंकों की मजबूती के साथ 28,152 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 80 अंक यानी करीब 1% बढ़कर 8,672 पर बंद हुआ। मिड कैप शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 0.8% की मजबूती के साथ 12,750 के ऊपर बंद हुआ। हालांकि स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी सुस्ती का माहौल देखा गया। बीएसई का स्मॉल कैप सूचकांक 0.2% बढ़कर 12,214 पर बंद हुआ। बैंकिंग, मेटल, ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी से बाजार में बढ़त नजर आई। वहीं आईटी, फार्मा और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों में आज थोड़ा दबाव देखा गया। अर्जगत में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।